हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई अब मैं आ चुकी थी अपने गांव से, मायके से मतलब। तो भाई मैं अब कल आई थी मायके से, तो अब हम दिखावा करेंगे आज। तो दिखावा मतलब आप सब जानते हो, क्योंकि आप सब भी गांव से ही हो, तो दिखावा का कोई ऐसा कोई वो इश्यू तो है नहीं जो आप कोई समझोगे नहीं। तो भाई अब नहा धो के पहले मंदिर जाते हैं, क्योंकि सावन है, शिव जी भाई शिव जी के प्रिय सावन महीना होता है। तो भाई अब सावन में हम मंदिर ना जाएँ, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, हम बिल्कुल जाएंगे, हम डेली मंदिर जाते हैं। तो भाई मैं तो वहाँ थी, तो अब कल आई हूँ, आज से फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मंदिर जाना। वहाँ भी जा रही थी, अब यहाँ जाएंगे मंदिर में नहा धो के। अब देखते हैं क्या पहनते क्या नहीं पहनते, आपको भी दिखाते हैं। पहनने का तो बहुत बड़ा इश्यू, देखो पोती पाना खोल के कैसे बैठी हुई है। देखो सुबह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम पहनने क्या, कपड़े ही नहीं है, घर वाले कपड़े नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते भाई। वो मैं आज आपको दिखाऊंगी घर वालों ने कपड़े दिए हैं या नहीं दिए। लाइफ मेरी लाइफ का तो सबसे बड़ा इशू है कि उसके ही पहनने क्या, एक घंटा खत्म। देख लो, अब ये अलमीरा खोल रखी है, आराम से अलमीरा खोलो, फिर ऐसे लेते हो ऐसे देखो एक घंटा की आज क्या पहनना है। सही बात है ना, आज मैं आपको दिखाऊंगी भाई मैं क्या क्या लेके आई हूँ। भाई आज मैं लूट लाई अपने घर वालों को, अच्छे से लूट के लिख के आई हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। तब अब मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, मंदिर जॉब के आते हैं फिर आपको दिखाएंगे। अब हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, अब हम जाएंगे मंदिर। देखो वो तोड़ रही है फूल वगैरह मंदिर के लिए, भगवान जी भी चढ़ाए जाते हैं। सही बात है। और देखिए ये हमारी डोली राम, इसके पीछे का राज मैं आपको बताऊँगी, इस डोली के पीछे क्या राज है। ठीक है, कहाँ से कबाड़ी हमने बताते हैं हम आपको। चलो जल्दी से, चलो अब मम्मी आ जाती है अंदर से, अब हम तीनों जाएंगे मंदिर। देखिए दोस्तों, मेरा व्रत है और मेरे दिल पर पत्थर धरो यार, सो देख लो आप। आप खुद देख लो यार, इनका व्रत है तो मेरे को नींबू ला के रख दिए। देखो वाह, तो देखो पराठा किसका है, प्याज का पराठा बना है, वो भी स्पेशल। या तो सोचो आज, पता है मैंने प्याज का क्यों बनाया पता है? क्यों? कि मैं शिव जी को बता सकूं कि मेरी सहन शक्ति कितनी है, मेरे सामने पराठा रखा और मैं नहीं खाऊं, इसलिए मैं तुम्हें मजे ले लेके खा रहा हूं आराम से। खाओ जी खाओ, देखो क्या आनंद लिए जा रहे हैं। पराठा खाओगी? खाऊंगी, बट मैं चाय लेके आया हूँ, टेंशन मत लो, मैं आज चाय पीऊंगा अच्छे से। वैसे नहीं पीता मैं कभी चाय। हाँ तो सही है ना, तो कभी कभी तो चाय पीनी चाहिए, फास्ट करना चाहिए यार, तब तक मेरे खून पी के काम चलाएगी। तो खून एक बात हो, खून तो ले सकती है, सकती हूँ, खून कोई अंत थोड़ी ना है, खून ताजी पी सकती हूँ। हाँ तो नहीं पी दूंगा, तो फास्ट है ना, कम से कम इज्जत करनी पड़ेगी आज आज तो। और क्या खाऊंगी मैं बता दी, लेकिन आज ही खिलाऊंगा मैं, कल नहीं खिलाऊंगा, कल तो मेरे खाने के टोटे पड़ जाएंगे। ऐसी बात है, सच सच बता दे डिम्पी, ऐसी बात है? ऐसी कोई बात नहीं, कल मेरा फास्ट है ना मंगलवार का। अच्छा, तो कल शाम को और भी अच्छी डिश मिलेगी आपको। देखो शाम को क्या बनाते हो, वैसे प्याज का पराठा खाने का यार मजा ही अलग होता है, और वो भी बारिश के मौसम, आज तो बारिश हो रहा है हमारे उधर, दिखाओ एक बार, अब तो कम हो गई थोड़ी, मौसम अच्छा हो रहा है वैसे, अब बारिश तो कम हो रही है, देखिए मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, तभी तो हमने बनाए आपके लिए स्पेशल प्याज के पराठे। मजा ही अलग आ जाता है पराठे में तो भाई। भाई अब हम सो के उठे थे और हमने वो दिखावा कर दिया था, तो सोचा कुछ सागर वगैरह की तैयारी करें, और इनको भाई पूछो मत, वो बर्दाश्त नहीं होती, लग गई अपने सागर की तैयारी करने में। मैं नहीं करूँगी, और तो कोई करेगा ही नहीं, ये सोचो मैं तुम सबके लिए कर, कितने अच्छे अच्छी डिशेज बना, क्या क्या बनाएगी आज? आज साबूदाना की खिचड़ी और सांभर की खीर। ओके, देखो लेखित लग रहा है अपने काम में, क्या कर रहा है लेखू? हैं? हथौड़ा, हथौड़े से किसकी पिटाई करेगा तू? हैं? और मेरे सामने बेटी देखो पढ़ाई में लगी रहती है, पढ़ाई कर रही है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, क्या कर रही हो बिट्टू? क्या कर रहे हो बिट्टू? पढ़ाई कर रहे हो? अरे वाह,
तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं कि यार भाई इनके इतने आलकस हैं। देखो मेरा भी खाना नहीं बना है, मेरे को भी यही अपना व्रत वाला खाना खिला रहे हैं। ये देखिए, ये तो देखो है क्या, दिखाऊं ये रोटी रही और ये सब्जी रही, ये सब्जी की तो कोई बात नहीं। ये देखो सही यार, ये देखो खिचड़ी रख दी मेरे लिए, एडवांस में दिया है। दिन में भाई ये चाय वगैरह पी रहे थे और अब ये देखिए मजा आ गए। ये कौन सा व्रत है, फ्रूट्स और बच रहे हैं अभी, अभी तो फ्रूट्स और खाएंगे। ये मैं तो खाऊंगा, हम व्रत के चिप्स और खाएंगे, पूरी डाइट बनाएगी मम्मी, डाइट बनाऊंगा ना यार, रहा नहीं जाता, लेकिन क्या करूंगा, खा खा के मोटे हो गए। नहीं अब तो पतली हो रही है भाई, बहुत पतली हो रही है। अब मैं कितना खा लू चाहिए। ये देखो भाई इस तो से नहीं है बिल्कुल भी, क्या पता नहीं कहाँ से क्या। आप तो कम खा लो, ठीक है खा लो मैं। ओके बेटा, ये है ना मेरी इस वजह से सब बोल रहे थे पूजा पतली हो गई सब, तब सोचा इन्होंने कभी ज्यादा तो कमजोर तो नहीं हो गई, तो ये मेरा हीमोग्लोबिन चेक करवाने गए, वहां निकला मेरा 15 पॉइंट। तो भाई इनको 15 पॉइंट तो निकलना ही था यार, ये देखो ना मेरा, मैं कितना मोटा था पहले, अब 15 पॉइंट नहीं निकलेगा, सारा खून तो पी गई। क्या बेटा बताओ, चाचा क्या कह रही थी सानू बेटी, बताना आप तो पागल। ये देख लो भाई, मेरे को तो सभी पागल बताने लग गए यार, ये पागल बताने लग गए, बच्चे भी पागल बताने लग गए, मेरे को लगता है ये सच में मेरे को पागल कर देंगे। पता नहीं भाई क्यों तेरी मौसी को दिखाई नहीं देता मैं हैंडसम, मुझे नहीं दिखाई देता। एक बात बताऊं, अब थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने, मेरे को खा लेने दो आप, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो चलिए दोस्तों भाई इनको खाना वाना खिला देता हूँ अच्छे से, और फिर बाकी का प्रोग्राम आगे दिखाऊंगा फिर आपको इनका। तो दोस्तों मैं सोच रहा था इतनी देर से कहाँ है, तो यहाँ आके देखा तो यहाँ मैडम जी देखो ये कपड़े खोल खाल के बैठी है, नीचे देखूं तो कपड़े खिड़ा रखे हैं, ऊपर देखूं तो कपड़े खिड़ा रखे हैं, दोनों बहनों ने लेके आए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना हल्के में ले रखा है क्या है, सिस्टम है सिस्टम पूजा का, देख लो आपने सोची भी ना होगी, है सोची भी ना होगी, 50 किसको कहते हैं 50 है, क्या और कपड़े लेके, क्या उन जोड़े कपड़े लेके आई हूँ मैं भाई, आप सबको बता दूं भाई, इसके हैं 35 और मेरे हैं 51, मेरे 15, इस वजह से फालतू है भाई, मैं वहाँ काम की थी और इसको भाई फालतू फोकट में मिल गए, बिना काम के बिना जापा निकाले हुए, देख लो मेरी बदौलत है बस, सबको ऐसे दिखा देगी जैसे पता नहीं यही करती हो सब कुछ, पता ही सबको पता है, सबको कुछ भी नहीं पता, सबको सब पता है, और खुद ध्यान दो ना, खुजली ना ले ऐसा नहीं चाल, सबको सब पता है, सबको पता है खुजली भी हो रही है, खुजली हो रही है, अब होगी भाई खुजली 15 आ गई मेरी फालतू, हाँ वहाँ बैठी बैठी ले आई। देखो भाई आपको दिखा दूँ, देखो कितनी मस्त, अब मैं अब आपको रील में दिखेंगे भाई, अभी तो टाइम लगेगा मुझे इनको रेडी करने में, इनका सब कुछ ही तो रेडी है, पर इनके ब्लाउज सिलूंगी, सूट सिलूंगी, ब्लाउज साड़ी तैयार करूंगी, इनके ब्लाउज सिलूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको धीरे 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 मेरे सब कपड़े दिखने मिल जाएंगे, अब जो भी कपड़े आपको दिखे ना वो ये समझ लेना मैं जापे में कमा के लेके आई हूँ, ये मत समझ लेना कि आसू ने मुझे दिलवाया, ना भाई ना ही, इन्होंने बोल दिया अब 2 महीने बिल्कुल ना मत लेना, 2 महीने मतलब 50, ये 2 महीने ही चलेंगी है भाई, मैं तो 2 महीने ही चलाऊंगी, अब दिसंबर में मेरे भाई की शादी है ताऊ जी के बेटे की, तो भाई और शॉपिंग करूंगी, ऐसी क्या बात है यार, एक बात तो कमाल है, पंजाबी सूट हो जाए, देखो कितना प्यारा है, माई फेवरेट कलर ब्लैक, यार तो दोनों के तो एक सेम सेम है ना, ज्यादातर कपड़े दोनों के सेम सेम ही है, जो मैं 15 लेके आई हूँ ना वो अलग है, वैसे जो 35 है वो बिल्कुल सेम सेम है, आपको सेम सेम ही दिखेंगे, मम्मी ने अच्छा काम किया सब सेम सेम देखे पता है, देखो भाई मैं आपको दिखाऊँ एक ये ड्रेस मेरी, ये है हमारी अहिरवाल ड्रेस, एक ये है मेरी ड्रेस, और एक ये है मेरी ड्रेस, और ये है भाई ज्योति की, मेरी याद है ज्योति कर दी भूल जाएगी ना भाई, बिल्कुल नहीं भूलने वाली, ये ज्योति की, और ये मम्मी ने क्वापूजन पिला के दी थी, ये दोनों ने हमने क्वापूजन पहनी थी,
इनके ब्लाउज, ये तो मैंने डाल ली थी और ये ज्योति ने डाल ली थी। और ये भाई हम मम्मी के लिए लेके आए हैं ये दो ड्रेस, एक तो ये तैयार की हुई, ये एक ये मम्मी मतलब सासू जी के लिए, ठीक, और एक ये लहंगा सिला हुआ सब कुछ। और देखिए सूट देखिए, बस सबके लिए लेके आई, मेरे को नहीं दे रही। हाँ, इसके पीछे से मैंने जो काम किया था ना, और देखो भाई मेरी बहन कितनी अच्छी चुनरी तैयार करवा के दी है मेरी, इसमें बहुत कुछ है। ये बोलते हैं मेरी चुनरी में राम लखन सीता जी, मेरी चुनरी में भी सब देवताओं का वास है। देखो राम राधे स्वास्तिक सब कुछ है, गणेश जी भगवान जी सब है इसमें। इस चुनरी के अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। मेरी फोटो तो है नहीं, फिर किस काम की है ये? नहीं, 36 करोड़ देवी देवता है। आप एक ही हो ना, आप स्पेशल भाभी को कहना था ना, एक देवता जो है मेन, उसकी तो जरूरी थी लगानी। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल भाभी जी, आप हमारा, भाभी आप हमारा व्लॉग देख रहे हो तब देख लेना, आगे फोटो लगा के देनी है हमें। देखो ऐसे ये इसका साथ लाता, मैं कह रही आपको भाई ये सब सूट है, ये पूजा के सूट है भाई, देखना ये बंदेज का सूट है, ये कोट सेट सिलेगा, इस कपड़े का सिलेगा कोट सेट, वो भी मेरे लिए। हाँ, ये मन का है ना, पूजा के लिए सिलेगा मेरा, वो है कहाँ जो थी वो ये देख ले, ये मेरा है भाई, क्योंकि मेरे पास व्हाइट एंड ब्लैक बहुत ज्यादा ड्रेस हो चुकी। अब देखो एक व्हाइट एंड ब्लैक ये सूट रहा मेरा, एक साड़ी भी तो है व्हाइट एंड ब्लैक, है ना, व्हाइट एंड ब्लैक साड़ी भाई, व्हाइट एंड ब्लैक साड़ी। चलो वो तो मिल जाएगा, आगे दिखाओ। ठीक है सरकार, ये दोनों का एक जैसा सेम सूट है, ये दोनों के सेम सूट है, ये पंजाबी सूट है दोनों के, ये सेम सूट है, ठीक है दोनों के, ये सेम सूट है दोनों की, ये सेम साड़ी, दोनों की ये सेम साड़ी। हम 30 पे पहनने वाले हैं, 30 पे सही रहेगी नहीं साड़ी, ये हम 30 पे पहनने वाले हैं, 30 पे पहनने वाले हैं हम। और ये दोनों के सेम सूट जरूरी करवा ली भाई, कुछ कुछ कपड़े भाई मैं रेडी कर लाए, बहुत ज्यादा काम भी तो था। दोनों की ये सेम साड़ी, ये कैटलुक की साड़ी है, कैटलुक की साड़ी। देखो इसका ब्लाउज है थोड़ा हैवी है, दोनों की सेम भी सेम ये भी दोनों सेम साड़ी, इसके साथ की सेम हाँ, ये भी दोनों सेम साड़ी, इसका इनका कलर थोड़ा सारी सेम है, 30 साड़ी है सेम हाँ, ये समझो 30 साड़ी सेम है ना, 30 कपड़े साड़ी सूट हैं, 30 कपड़े तो हमारे सेम है, और 5 इसके फालतू अलग हैं और 20 मेरे थोड़े अलग हैं, और सेम गिनती एक बात बता तुम, तुम दोनों ये दिखाओ तब तक मैं थोड़ी चप्पी ले लूँ एक छोटी सी। देखो ये रहे सेम देखो ये रहे सेम दोनों के, ये दोनों के पैर के पास, ये रहे दोनों के सेम ये वाली साड़ी दोनों ये दोनों सेम अब शायद डिफरेंट चलेगा कुछ। ये भाई मेरे फालतू वाले देखो, ये है ना आप कभी नहीं दिख रही, जब मैं पहनूंगी इनका ब्लाउज रेडी करूंगी जब दिखेंगी क्या पटाखा है, आप भी बोलोगे वाह वाह वाह। देखो ये मेरी है, कितनी प्यारी साड़ी है, देखो ले लो फ्री में ले लो, 100 रुपए की 500 रुपए की 500 रुपए की 500 मेरी पैक कर अभी, ये ज्योति की ये ज्योति की ऋण पैसे ये ज्योति की ज्योति की तो बूढ़ी हो गई, वो बूढ़े जैसे भी लिया काती धोती भाई साड़ी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा मन आ रहा है। मैं धोती लिया थी ना ज्योति खातर, तो उमें बाकी एक हल्दी को पाउच छोटो सो 10 रुपए वालो, एक काजल को छोटो सो वो डाल के मैं ज्योति ला देती 5 सही रहती यार, वही सही रहती, बूढ़ी हो गई सूती लिया थी सही रहती, सूती वाली ज्योति का सूट है ना, ये ज्योति की बनारसी साड़ी, ठीक है
और देखो मेरी एक साड़ी स्पेशल मम्मी ने मेरे लिए जीती क्या ये यार ये झूठ बकवास मार रही है और ये रह गई मेरी तो अरे भाई जहाँ देखो वहाँ कपड़े हैं देखो ये देखो मेरी ये सब मैं कह रही हूँ ना आपको है ना जब मैं पूरी रेडी होंगी ना तब देखेंगे ये सब कपड़े और ये मेरा प्यारा सा सूट ये पहनूंगी यार मैं राखी पे पीपड़ी जाऊंगी ना दोबारा कमाई पे जाऊंगी दोस्तों मैं ऐसा नहीं राखी पहन जाऊंगी अब क्यों उनकी है खोली जाए ये मैं राखी पहन के जाऊंगी कमाई नहीं छोड़ दू दोस्तों कमाई छोड़ दोगे तो पार थोड़ी बढ़ेगी यार एक बार बताऊ ये बकवास मत करो कमाई कमाई पे ध्यान नहीं देते हम खर्चे करने पे ध्यान देते हैं ठीक है कभी भी तालियां ना एक हाथ से नहीं बजती दोनों हाथों से बजती है ओके ऐसे बजा के देखो नहीं बज रही नहीं आवाज आई ना आई आवाज है आवाज आई और पैर लग गया नहीं आ रही आवाज ऐसे आवाज आई तो वही बात है दोनों हाथों से बजती है ठीक है अच्छा जी यस सर और एक ये रहा देखो मेरे ये भी लग चाहिए यार अभी है ना वहाँ बहुत ज्यादा काम हो गया था तो रेडी नहीं करके लेके आई ये इस चुनरी के साथ एक ही चुनरी लेके आई हूँ मम्मी ने एक ही चुनरी मेरे को दो चुनरी दिलवा रही मम्मी ने मेरी कॉम से खुश होकर देखो ये बड़ी प्यारी चुनरी मेरे के लिए अभी तक नहीं आया तैयार इसके साथ ब्लाउज देखो कितनी मस्त लगेगी है ना ब्लाउज भी सेम ऐसा ही है और ये चुनरी और इसकी भी कढ़ाई वगैरह करवाऊंगी अभी बहुत काम पेंडिंग में है अब धीरे धीरे आपको नई नई रील दिखेंगी नए नए कपड़े में फुर्सत मिलेगी तो बेचारे को बनाने लग चोर तो ना यार तो 2 लाख है ना फुल है वो सिलने के लिए रख रखे हैं सिलने वाले बैग में वो पहनेंगे तब अरे हाँ पहनने नहीं चप्पल और थी ना पहनने के क्या अभी दिखाऊंगी भाई मैं तो वहाँ के लेके आऊँगी आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी साड़ी स्पेशल से अलग देने के लिए थैंक यू मम्मी आप मेरा व्लॉग देखो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बकवास ये तेरी आने वाली तो ये ज्योति की चप्पल ये इस चप्पल से मैचिंग की तू दी थी ये साड़ी इस चप्पल से मैचिंग की साड़ी ये मेरी चप्पल देख लो भाई बताऊं क्या है और मैंने मेरे व्लॉग में दिखाया दिया था एक और डोली दी थी उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देती हूँ भाई हमारे जच्चा और बच्चा के काजल डलाई के नेक पर मिलता है कचौड़ा अपने हिंदी भाषा में उसको बोलते कचौड़ा ठीक है तो मैं सोची हमारे भाई को जरूरत नहीं थी उस चीज की तो मैं दुकान पे गई बर्तन वाले पे मुझे दिखी सबसे सामने वो डोली सबसे हटके तो मैं वो डोली ले आई उस नाम से याद रहेगी ना कि मुझे जच्चा और बच्चा की काजल डलाई के नेक में मिली थी मुझे क्या डोली और ये है चूड़े भाई ये चूड़े दोनों की सेम कलर थोड़ा डिफरेंट है बस ओके भाई ये तो बड़े बड़े काम पे हाथ डालती है एक ही ये है ये वैसे हम दो पहन लेंगे ये सोचा वैसे 8 चूड़ियों का है सोचा दो ऐसे पहन लेंगे दो ऐसे हो जाएगा और एक लहरिए का ये एक कड़े भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है भाई सच में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया मैं अपने आप गई थी शॉपिंग करने बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया ये हमें मिले हैं सोने के ये हमारा असली माल खजाना है देखो ये भाई अलग अलग थोड़ा सा डिजाइन में अंतर है बस थोड़ा एक और का है मेरा मेरे पास तीन तेरे पास देखो भाई ये मिले हैं आज इनको पहन ले तो ही सही रहेंगे अब राखी वगैरह पे तीज वगैरह अपने इन्हें पहनेंगे अभी कैसे लगे बाबू भैया कैसे लगे बाबू भैया बोल नहीं रहे बढ़िया लगे भाई भाई इनको भी एक एक ड्रेस दिलवा दिए दोनों भाइयों को ठीक है वो वैसे कपड़े रेडीमेड के इनको पैसे दे दिए ये ले आए अपने पसंद के और वैसे मम्मी ने दे दिए ला के सिलवाना चाहें तो सिलवा भी सकती हैं तो ये इनकी इच्छा है दोनों हो गए इनका और पापा को भी ऐसे कर लिया और कुछ दिखाना हो भाई लाचे और दिखा दो यार वो दो साड़ी रह गई भाई वो है ना कल हमने जैसे कपड़े लेके आए ना तब उनको हमने यहीं टांग दिया था डेली यूज की थी सोचा ये तो कल ही पहन लेंगे तो कल ही पहन लेंगे देखेंगे अभी ब्लाउज देख लो अभी तो ये दोनों की सेम से ये वाइट एंड ब्लैक मेरी है जोती थी मुझे वाइट एंड ब्लैक पसंद था कुछ ज़्यादा नहीं कपड़े इतने हैं भाई पहनने भी नहीं आते मेरे हिसाब से ये ब्लाउज देखो कितने ज़्यादा ब्लाउज रखे हुए हैं पूजा
मेरी सास तो ये छोड़ दे, इसका 35 तीर छोड़ दे, ठीक उससे एक्स्ट्रा शायद 15-15 दोनों अगर बिना पहने रखे से भी 15-15 कम से कम थे, ये कब पहनाऊंगा मेरे पास और भी ज्यादा रखे हैं तो फिर भी पहन लेते हैं। भगवान भला करे आपका, आप ऐसे हमारे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। भगवान का कैसा, मम्मी पापा का नहीं यार, भगवान का ही हिस्सा है, क्यों भगवान ने वो भगवान करे, मम्मी पापा ही भगवान है हमारे लिए, मम्मी पापा तो भगवान है, मैं भगवान का शुक्रिया करूँ भगवान ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखे, ऐसे ही आप हमें अपार खजाना देते रहे, मैं आप खोल मेरे सामने आ जाए खजाना। ऐसी कोई बात नहीं, भोले बाबा सुन रहे हैं, भोले बाबा है ना अब एक महीने बिल्कुल नहीं सोते, जागरण करते हैं तब वो पूरा दिन सुनते रहते हैं। देखो ये दोनों के एक एक लाचे ये हैं, और सब सिलेंगे ना, सिलेंगे इनको अच्छे से तब अच्छे से दिखेंगे, और ये एक एक कुर्ते ही है सुंदरी बंदेज में, और ये की कुर्ता प्लाजो सेट मेरा है, बहुत हो गया भाई। आपको कौन सी ड्रेस सबसे बेस्ट लगी, कौन सी साड़ी, कौन सी लहंगा लुगड़ी, कौन सा सूट, कौन सा कुर्ता, कौन सा लाचा, प्लीज कमेंट में बताइए, बिल्कुल भी बाहर मत जाइएगा, पहले कमेंट कीजिएगा फिर बाहर जाइएगा, घर का काम कीजिएगा, और भलाई का जमाना था ही नहीं, काम वगैरह में कुछ ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सभी की तरफ से एक एक कमेंट आना चाहिए। सब बोलते हैं ना पूजा मैं तेरे व्लॉग देखता हूँ, पूजा मैं तेरे व्लॉग देखती हूँ, मैं नहीं समझूंगी कि आप व्लॉग देखते हो या नहीं देखते हो, आप कमेंट करोगे तभी मैं समझूंगी कि आप मेरे व्लॉग देखते हो, कंटिन्यू पूरा कंप्लीट देखते हो, आपकी कौन से कपड़ा सबसे ज्यादा बेस्ट लगा तभी मैं समझूंगी कि आपने पूरा व्लॉग देखा है, आप कमेंट कर दो और आप चले जाओ ऐसा नहीं, आप बताओगे कि कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा लगा तब मैं समझूंगी हाँ इस बंदे ने तो मेरा पूरा व्लॉग देखा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राम।